जो लोग ईवीएम का विरोध करते हैं वो फिर वही बूथ कैप्चरिंग का राज लाना चाहते हैं, है नहीं? वो फिर वही युग में ले जाना चाहते हैं, माइट इज राइट, जो होता था पहले धन बल और क्या, जल बल, जन बल नहीं होता था, धन बल और पैसा का बल, धन का जो है और वो जो होता बाहुबल, तो ये क्या कहते हैं, जो क्या कहते हैं उसको, उसी युग में क्या कहते हैं कि है ले जाना चाहते हैं। और जब आप इंस्टीट्यूट आप कब सम एक तरफ तो ये कहते हैं कि संविधान को बचाओ और दूसरे तरफ में संविधान पर ही हमला कर रहे हैं। संविधान मतलब इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन क्या कहते हैं कि वहाँ भी क्या कहते हैं कि जो है इलेक्शन कमीशन है तो जो तीन कहते हैं कि मैम जो है उनको पूरी आज़ादी है, वो देखते हैं और वो क्या कहते हैं कि वो उनको नहीं सही लगता है तो वो अपना नोट ऑफ अलग से क्या कहते हैं कि विचार भी रखते हैं। चार बार सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, ये नहीं है कि एक ही अलग अलग चीफ जस्टिस के समय में गया, हर बार क्या कहते हैं कि उन्होंने क्या कहते हैं कहा, कल भी इलेक्शन कमीशन ने कहा कि भैया आप क्या करना चाहते हो, इलेक्शन तो होने दो, आप क्या आप तो रुकवाना चाहते हो, अब कहीं से ला करके ईवीएम मशीन कहीं बाहर में रखा हुआ है जिसको क्या कहते हैं उसका कोई मतलब नहीं था वो सब ला कर दिखला रहे हैं। तो इसलिए जो है और पहले से ही ये क्या कहते हैं कि अपना ये कहानी कर रहे हैं कि इनको मालूम हो गया है कि चुनाव क्या कहते हैं हो गया, खास करके बिहार में जो रिजल्ट आया है जितने नेता हैं सब क्या कहते हैं कि उसमें जो है सब हार गए हैं, जो भी हैं आरजेडी के नेता तो मतलब कि वो लड़े ही नहीं, मतलब हाँ आरजेडी में भी तो हैं क्या कहते हैं कि मीसा भारती वगैरह तो है ही, तो जितने भी हैं तो अब खिसियाने भी ली खम्भा नोचे, अब कह रहे हैं कि चुनाव के बाद क्या कहते हैं कि जो है हार जाएंगे तो मान लेते हैं कि जो कहते हैं खून खराबा हुआ है, हर आदमी कहे कि हार जाएंगे तो खून खराबा होगा तो देश चलेगा। अब अच्छा दूसरी बात समझ कीजिए कि कल ईवीएम का रोल कल होगा, रिजल्ट कल निकलेगा, कि पहले से क्यों हल्ला करना शुरू कर दिया एग्जिट पोल पर, एग्जिट पोल को ईवीएम से क्या मतलब है, एग्जिट पोल में जो जर्नलिस्ट गए हैं या मीडिया के जो लोग गए हैं ये तो वो तो लोगों से पूछ करके अपना ओपिनियन दिया है ना, वो एग्जिट पोल देख करके तो ओपिनियन नहीं दिया है, तो ये कहते हैं ईवीएम मशीन को देख करके तो ओपिनियन नहीं दिया है ना, तो तीन दिन से पहले जितने परसों से ही क्यों हल्ला ये लोग कर रहे हैं, तो चोर के दाढ़ी में तिनका होता है। इसलिए कोई इसमें जो है हमने भी अपने सब कार्यकर्ताओं को कहा है कोई डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं, जो लोग भी डेमोक्रेसी को ख़त्म करने की कोशिश करेगा उसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। और जहाँ तक है बिहार में ये लोग जो है फिर से वही जंगल राज लाना चाहते हैं, वही फिर से कहते हैं बूथ कैप्चरिंग करना चाहते हैं, है ना, और यही करना चाहते, तो वो चलने के लिए नहीं दिया जाएगा, कानून अपना काम करेगी। और हम राज्य सरकार से भी आग्रह करेंगे कि रिजल्ट के बाद है ना जिनको ठीक है इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन के सामने मामला है, अभी शायद हम सवेरे देख रहे थे कि इलेक्शन कमीशन 11 बजे से जो है उन लोगों की बात को देखेगा, सुनवाई करेगा, तो जो भी इलेक्शन कमीशन का हो, जो भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हो उसको क्या कहते हैं कि मानिए, लेकिन ये तो नहीं हो सकता है ना कि हमारे जब 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 हमने कहाँ आंदोलन किया था, जब ये क्या कहते हैं कि जीत गए थे पंजाब में तो हमने कहाँ आंदोलन किया था, दिल्ली में जहाँ साल दिल्ली में क्या कहते हैं कि असेंबली के चुनाव में जो है 3 सीट खाली बीजेपी को मिला था, तो कहाँ जाकर के क्या कहते हैं आंदोलन किया कि ईवीएम मशीन के कारण से जो है केजरीवाल जी को मिल गया है, या 3 राज्य में चुनाव हुआ तेलंगाना में मध्य प्रदेश में राजस्थान में जो है जीते इतने वोट से, तो फिर उसके बाद कहाँ जाकर के हुआ, तो जब आप जीत जाओ तब तो क्या कहते हैं कि ईवीएम मशीन ठीक है, और जब हार जाओ तब ईवीएम मशीन क्या कहते हैं कि जो है सो खराब है मैंने, तो क्या ये लोग लड़ेंगे के बिहार में एक मंच पर तो कभी गए नहीं, क्या कहते हैं कि आरजेडी और क्या कहते हैं कि राहुल गांधी वगैरह कहीं गए नहीं, एक जगह कहीं गए होगा, और हम लोगों का जो टीम वर्क चला पूरे देश में, हम लोगों ने 4,000 सीट पर जो है हम नीतीश जी जदयू के हैसियत से और जो है क्या कहते हैं कि सुशील मोदी जी सभी 40 सीट पर एक बार गए, फिर उसके बाद अलग से दो दो प्रोग्राम क्या कहते हैं कि सीएम का लगा,
बीजेपी के लोग सारे क्या कहते हैं गए, कभी राजनाथ जी भी गए।